कहीं कोई ऐसी बेइज्जती कोई ऐसा अपमान ना हो जाए जिसका जवाब हमें कहीं और देना पड़े। और ऐसी चीजें यहाँ पाई जाती हैं, जिस शहर में हम रहते हैं वहां अगर तोता मैना की कब्र है तो चोर कुआं भी पाया जाता है। भगवान श्री कल्की का मंदिर है तो शाही जामा मस्जिद भी पाई जाती है। सिखों का गुरुद्वारा है तो ऐतिहासिक चर्च भी पाया जाता है और वो मिठास संबंध के लोगों में आज भी बरकरार है कि आप अपने कितनी भी नाइतफाकियां हो अगर लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर एक दूसरे को देख लेते हैं तो आपस में दो अपराध कर लिया करते हैं। ऐसी मिठास संबंध में है। अफसरान जब संबंध आते हैं तो बोलते हैं पता नहीं कैसा शहर होगा ये, कैसी अजीब बात है जिस संबंध के बारे में सोची गई है समझी गई है। लेकिन यहाँ आने के बाद में उनका दिल नहीं करता कि हम संबंध को छोड़ करके कहीं और जाए। और अब तो वो संबंध भी नहीं रहा। पहले तो बहुत कम ऐसा होता था कि सब लोग एक जगह मिल करके पेट जाया करते थे। अब तो बहुत ज्यादा किसी ना किसी मौके पर किसी ना किसी बहाने पर ये ऐसा होता रहता है कि हम लोगों का एक अटूट संगम आज संबंध में देखने को मिलता है। जब आज जनपद हुआ करता था तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हम लोगों को वहां मीटिंग में जाकर कमेटी की या किसी और कार्यक्रम में बड़ी दिक्कतें होती थी। यानी एक व्यक्ति को कम से कम पांच हजार उठाते रहते। मैं पत्रकारों से और जनता से जुड़ी कुछ समस्याएं माननीय देव साहब के सामने रखा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद के अंदर प्रेस क्लब भवन जरूर है लेकिन सफल जनपद में प्रेस क्लब भवन है। हम ये उम्मीद करते हैं कि देव साहब पत्रकारों ने प्रेस क्लब भवन की स्थापना बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद।